Per Ekman! Per Ekman! भारत माता की। मसूद अजहर को दुनिया की सबसे बड़ी संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया है। मसूद अजहर पर हुए फैसले पर खुशी मनाने के बजाय कांग्रेस अपना ही मजाक उड़वाने में लग गई है। कांग्रेस अब सवाल उठा रही है कि मसूद अजहर को चुनाव के समय ही आतंकी घोषित क्यों किया? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ को ये घोषित करने से पहले कांग्रेस को पूछना चाहिए था क्या? ये 20वीं सदी में जिस तरीके से खेल खेलते थे, 21वीं सदी में भी उसी तरह से खेल खेलते हैं। लेकिन उनको मालूम नहीं है 21वीं सदी में ये मोदी उनको मिला है, वो उनके सब खेल जानता है। इस बार मैंने देखा राजस्थान में लोगों के पास जाते हैं और 72,000 रुपए का फॉर्म भरवाते हैं। लोगों को फॉर्म मिला और यहाँ की कुछ महिलाएं सरकारी दफ्तर में पहुंच गई। सरकारी दफ्तर में जाकर के पूछा कि भाई ये 72,000 कब मिलोगे, हमको फॉर्म मिला है। सरकार ने जांच की बताया कि फॉर्म झूठा है, ये लेने वाले झूठे हैं। तो लोग रोने लगे, ये तो हमारे से 100 रुपया ले गया है। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, इस बार गलती मत करना। मोदी 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 मोदी। बदलते हुए मौसम में भी शेखावटी का जोश चरम पर है। आपके इस उत्साह, आपकी इन भावनाओं का मैं अभिनंदन करता हूं। अब जब मैं आपकी भावनाओं का अभिनंदन करता हूं, तो यहां के मुख्यमंत्री और यहां की पूरी कांग्रेस पार्टी आज इलेक्शन कमीशन को शिकायत करेगी कि मोदी ने सीकर में अभिनंदन का नाम दिया। अब कांग्रेस किसी भी तरह ये साबित करने पर तुली है कि हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी। कल कांग्रेसी 6 तारीखें भी निकाल लाए और कहा कि ये वो तारीखें हैं जब उनकी सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भाई ये कैसी स्ट्राइक थी जिसके बारे में ना आतंकियों को पता चला, ना आतंकियों पर हमला करने वालों को पता चला, न ही पाकिस्तान को पता चला और न ही हिंदुस्तान में किसी को पता चला। आपको किसी को पता चला था भाई? जब रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी तब किसी अखबार में स्ट्राइक शब्द आपने पढ़ा था, स्ट्राइक शब्द सुना था? आजादी के बाद भारत की उस समय जो छवि बनाई गई वो दशकों तक ऐसी ही बनी रही। दुनिया के बड़े बड़े देश यही समझते थे कि भारत यानी सांप सपेरों का देश। अब आज ये नामदार परिवार की चौथी पीढ़ी यही काम कर रही है। सांप और सपेरों के बीच में ये क्या हो रहा है? अरे वो ये भूल रहे हैं कि भारत अब नेक से आगे बढ़कर अब माउस थामकर आगे बढ़ रहा है। जो कांग्रेस इतने दशकों तक भारत के हक का पानी, बीकानेर के हक का पानी, जो पानी तक को रोक नहीं पाई, वो आतंकवाद को रोक पाएगी क्या? आपके इस चौकीदार ने
भारत के हक के पानी को और आतंकी कारस्तानी को, दोनों को ही रोकने के लिए काम किया है।